नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों एवं दोस्तों के यहाँ शेयर करते रहिए। तो आज के सत्र में दोस्तों, मैं लाल सर आप लोगों को इकाई वन परिमेय संख्याओं से संबंधित अभ्यास एक एक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न संख्या एक देख लें। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। आपके समक्ष प्रश्न है, ऋण 7, 11, 27, ऋण 45, 71। परिमेय संख्या का मतलब पी अपान क्यू के रूप में है, कोई चार संख्या 4/1 लिखेंगे, ऋण 5 है तो 5/1। आइए इसको हल करते हैं। ऋण 7 है तो ऋण 7/1 कर देंगे, 11 है तो 11/1 लिख देंगे, 27 है तो 27/1 लिख देंगे, ऋण 45 है तो ऋण 45/1 लिखेंगे, 71 है तो 71/1 लिखेंगे। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 2। ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8। तो चलिए इसको हल करते हैं। ऋण 4/5, तो देखिए इसमें हमें 8 लाना है। किसको लाना है? अंश को। अंश मतलब ऊपर वाले को। तो इसमें हमें 2 का गुणा करेंगे, लेकिन 2 का कैसे? ऋण 2 का। तो यहां भी ऋण 2 का गुणा कर देते हैं, 2 × 4 = 8 प्लस 8 हो जाएगा और 2 × 5 = 10, ये हो गया ऋण 10। इसी तरह से इसको हल करते हैं, ऋण 4/5 गुणे हमें 16 लाना है ऊपर वाले को, तो यहां केवल हम 4 का गुणा करेंगे और 4/4, तो 4 × 16, 4 × 5 = 20। इसी तरह यहां हम हल करते हैं, 4/5 ये दिया हुआ है, इसी 4/5 को आधार बांध करके हल किया जा रहा है। अब हमें अंश ऊपर वाले के यानी यहां पर हमें 20 लाना है, तो यहां हम गुणा करेंगे 5 का, तो 5 का गुणा कर दे 5 × 20, लेकिन ये ऋण होगा तो यहां हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऋण 5/5, 5 × 20 ये प्लस हो गया 20, अब 5 × 5 = 25, ऋण हो गया 25। इसी तरह से ऋण 4/5, इसमें हमें यहां पर यानी 24 लाना है, तो हम 6 का गुणा कर देंगे, ऋण लाना है तो ठीक है प्लस में ही गुणा करेंगे। इस तरह से 6 × 24, ऋण 24 हुआ, अब 5 × 6 = 30। इस तरह से इसका आंसर देखिए, 8/10, 16/20 और ये आंसर हो गया 20/25 और ये आंसर हो गया 24/30। अब आपके समक्ष पेश है प्रश्न संख्या 3। आइए हल करते हैं। ऋण 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, क्या हर है? देखिए 7, ऋण 14, 21, 35। तो देखिए हमें ये 7 + 7 लाना है, दोनों पर ऋण है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई विशेष दिक्कत दोनों है, तो इसको हम दोनों ऋण हटा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे +5/+7, तो ये हो जाएगा 5/7, तो इसका आंसर होगा 5/7। इसी तरह से देखिए इसको हमें ऋण 14 लाना है, तो ऋण 14 लाना है तो बहुत ये सिंपल है, यही पर हम गुणा कर देंगे 2 का, यानी 2 का ऊपर और 2 का नीचे, तो 2 × 5 = 10, देखिए ऋण 10 हुआ और यहां 2 × 7 = 14, ये ऋण 14।
इस तरह से आंसर ये ऋण 10 बटे ऋण 14 हुआ। अब अगला प्रश्न हल करते हैं, 21 हमको लाना है, किसको 21 लाना है, हमें हर को लाना है, हर को हमें 21 लाना है। तो यहां हम 3 का गुणा कर देंगे और यहां 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3 पचे 15 ऋण 15 हुआ, और यहां 3 सत्ते 21 यानी प्लस में आ गया, तो ये आंसर हुआ ऋण 15 बटे 21। अब देखिए ये 35 लाना है, ऋण 35, ये भी बिल्कुल सीधा है, ऋण 35 यानी 5 सत्ते 35, हमें 5 का ऊपर गुणा करना है या 5 का नीचे, तो 5 का 5 में जब इसका गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 ऋण 25 हुआ, अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते ये 35। इस तरह से देखिए आपका ऋण में ऋण का गुणा किए तो प्लस आपका 15 हो गया, ऋण में ऋण का गुणा किए तो ये प्लस, आप 7 लिखे 21 हो गया। इसी तरह इसका किए तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ऋण 25 बटे ऋण 35। इस तरह से ये सवाल हल हो गए। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर यानी हर आपका देखिए ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे, ये नीचे वाले को यानी हर को हमें धनात्मक बनाना, बहुत सिंपल है। देखिए इसको बनाते हैं, देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है ऋण 9, तो स्वाभाविक है कि जब ये आपका आप देखिए ऋण 9 अब बटे ऋण 11 है, ये दोनों ऋण है इसलिए दोनों ऋण आउट हो जाता है, ये प्लस में बदल जाता है, इसको हम प्लस 9 बटे प्लस 11 लिख सकते हैं, इसको हल कर देंगे इस तरह से 9 बटे 11। देखिए ये 11 जो है ये धनात्मक हो गया, बिल्कुल ये धनात्मक। चलिए आगे हल करते हैं, अब देखिए ये प्लस 11 है, ये ऋण 17 है, तो इसको यदि हमें धनात्मक बदलना है तो बहुत सिंपल है, इस माइनस को ऊपर कर दीजिए, बहुत सिंपल, ये ऋण 11 कर दीजिए अब बटे ये 17 हो गया, ये देखिए 17 ये धनात्मक आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, देखिए ऋण ऊपर भी ऋण बिल्कुल इसी सवाल जैसा, इसको बिल्कुल हम प्लस में बदल देंगे, प्लस 4 बटे प्लस 19। ये याद रखिए कि आंश और हर दोनों यदि ऋणात्मक है तो दोनों को आप प्लस रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समय बचाने के लिए बिल्कुल इसको प्लस 4 बटे प्लस 19। अब देखिए ये प्लस 7 है, ये तो बिल्कुल इसको ऊपर कर दीजिए क्योंकि हमें हर को धनात्मक करना है, तो ये हो जाएगा ऋण 7, अब देखिए यहां हो जाएगा प्लस हम 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको इस तरह से 7 बटे यानी ऋण 7 बटे ये 13, देखिए ये भी आपका धनात्मक हो गया, और आपका देखिए ये भी इसको भी आप चाहें तो इस तरह से 4 बटे 19 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से देखिए ये आपका 19 भी आपका धनात्मक हो गया, इस तरह से आप। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश, अंश मतलब ऊपर वाला अंश को धन पूर्णांक बनाइए, यानी आपको इसको धन पूर्णांक बनाना है, ऋण 7 को, ऋण 11 को, ऋण 18 को, ऋण 19 को, बहुत सिंपल है, आइए हम बनाते हैं। देखिए अब इसको हमें अगर धन पूर्णांक बनाना है, ऊपर ऋण है, तो ये ऋण को क्या कीजिए, इस ऋण को यहां ला दीजिए, बिल्कुल इस ऋण को यहां ला दीजिए, ऊपर प्लस कर दीजिए, तो ये 7 बटे आइए देखिए आपका ये ऋण 13 होगा, बिल्कुल इस तरह से ये आपका धन पूर्णांक हो गया, राइट। इसी तरह इसको करते हैं, देखिए ये दोनों ऋण है तो ऑलरेडी ये प्लस में बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखिए ये ऋण है, ये प्लस है, तो इस ऋण को यहां ला दीजिए
और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 18 और ये ऋण हो जाएगा आपका 23। इसी तरह देखिए ये दोनों, ये देखिए ये दोनों, देखिए माइनस माइनस है, तो ये दोनों प्लस में हम बदल देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हुआ। तो इसका आंसर 7/13, इसका आंसर प्लस रखे चाहे मत रखे, प्लस माना जाता है 11/19, इसका आंसर 18/23, इसका आंसर 19/23, इस तरह से सवाल है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। बहुत सिंपल, इसको आप देखिए ऊपर ऋण है नीचे ऋण है, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों है ये प्लस 9 बटे प्लस ये 13, तो बिल्कुल ये आपका धनात्मक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए धनात्मक, अब ये देखिए ऊपर ये प्लस है, देखिए आप देखिए ये प्लस है आइए ऋण है, तो ये आप दोनों अलग अलग, जब अलग अलग चीज होता है तो धनात्मक नहीं होती है, धनात्मक नहीं है बल्कि ऋणात्मक है, कि ऋणात्मक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 7 बटे प्लस 23, ये बिल्कुल आपका धनात्मक है, धनात्मक है, यहां भी आप लिख दीजिए कि धनात्मक है। अब देखिए ये प्लस है, ये ऋण, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वे संख्या धनात्मक नहीं होती है बल्कि ऋणात्मक होती है, तो यहां लिख दीजिए धनात्मक नहीं है, जब धनात्मक नहीं है तो फिर क्या होगी भाई, बल्कि ऋणात्मक है, इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हुआ। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक मैं घेर दिया हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमें ऋणात्मक बताना है, तो ये बताइए, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग है इसलिए ये बिल्कुल ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब बताइए ये देखिए, ये भी ऋण और ये भी ऋण, तो ये दोनों चिन्ह एक जैसा है, और दोनों चिन्ह जब एक जैसा होता है तो वो संख्या ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक होती है, तो ये ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है बल्कि धनात्मक है। अब आइए ग पर देखते हैं, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न है इसलिए ये बिल्कुल कंफर्म है कि ऋणात्मक है, कोई इसमें ज्यादा हमको समय नहीं लगेगा, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो संख्या ऋणात्मक, दोनों चिन्ह सेम है तो संख्या धनात्मक, ये देखिए ऋण है ये ऋण है इसलिए ये ऋणात्मक नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि ऋणात्मक है या नहीं, बस तो हमें उसी रूप में उत्तर, ऋणात्मक नहीं है, नहीं है तो आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बल्कि यह धनात्मक है। इस तरह से प्रश्न, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को
सरलतम रूप में, लेकिन देखिए सरलतम रूप क्या है इसको समझिए। सरलतम रूप यदि किसी भिन्न का हमें निकालना है तो सबसे पहले अंश और हर का आप मसप एचसीएफ ज्ञात कर ले। जो अंश तथा जो एचसीएफ ज्ञात होता है अंश तथा हर में मसप का भाग नहीं प्राप्त संख्या सरलतम। जैसे अब देखिए 9 और ये 21, ये 9 और ये इस 21 का हम देखिए यहां पर मसप निकाले हैं 9 2 18 3 3 9 तो 3 देखिए एचसीएफ आया। इस 3 का हम इसे डिवाइड कर देंगे तो चलिए ऋण 9 में यदि हम 3 का भाग देते हैं अब बटे इस 21 में यदि 3 का हम भाग देते हैं तो 3 3 9 और 3 7 21 इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसी तरह देखिए ये दोनों संख्याएं ऋण में है इसलिए इसको हम प्लस में बदल लेंगे। ये आपका प्लस 18 हो जाएगा, ये प्लस 27 हो जाएगा। अब इसका देखते कि इसका मसप कितना है। देखिए ख इसका हमने मसप ऑलरेडी यहां निकाल रखा है 18 1 18 9 बचा 9 2 18 23 आया 9 का यहां हम भाग दे देते हैं। बहुत आसान है यहां हम 9 का भाग देंगे तो 9 2 9 18 अनतली 27 2/3 आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। अब देखिए 21/36 तो ये क्या करते हैं देखिए जब ऋण है तो हर को हमेशा हमें धनात्मक बनाना चाहिए तो ये ऋण 21 हो जाएगा बटे ये 36 हो जाएगा। ये गणित का रूल है कि यदि हर आपका ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बना लीजिए, धनात्मक बनाएंगे तो ऋण ऊपर चला जाए। अब देखिए ग का हम देख लेते हैं 21 और 36 का मसप निकाला गया है 21 21 6 में से 1 गया 5 3 में से 2 गया 1 हुआ। इस तरह से देखिए इसका जो आएगा मसप 3 आएगा आप मसप इसका निकाल लीजिएगा तो देखिए इस 3 का हम भाग देंगे यहां भी 3 का हम भाग देंगे तो 3 7 21 यानी ऋण 7 हुआ और 3 1 3 6 में भाग देंगे 3 2 6 तो ऋण 7/12 इस तरह से ये आंसर आपको प्राप्त हुआ। अब अंतिम घ है इसका ऋण 21/23 तो ऑलरेडी ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक कोई दिक्कत नहीं तो ऋण 21/23। अब इसका हम देखेंगे कितना देखिए इसका मसप कितना आएगा तो 21/23 का अगर मसप आप निकालेंगे तो 1 होगा। एक का चाहे तो भाग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं चलिए हम दे लेते हैं कोई नहीं भी देंगे तो मान उतना ही आएगा तो ये ऋण 21/23 इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हुआ। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 9 अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति यानी जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आपको उचित संख्या भरना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इस 4 का इस 20 से कैसे संबंध है, इस 4 का इस 20 से संबंध हमको देखना है तो देखिए इस 4 में जरा हम भाई ऋण 5 का गुणा कर देते हैं तो देखिए हो जाएगा 5 के बीच यानी ऋण 20। देखिए ऋण 20 आ गया तो ऊपर वाली भी संख्या में ऋण 3 में हम ऋण 5 का ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी प्लस 5 3 15 ये आप 15 यहां फिलअप कर लीजिए। अब देखिए अब आपको ये देखना कि ये कैसे प्राप्त हुआ तो इस 4 का हम देखेंगे यहां 28 में कि ये कैसे तो देखिए जरा 4 में आप 7 का गुणा कर दीजिए 4 7 28 देखिए 4 7 28 दम 7 तो ऊपर वाला ये जो दिया है ऋण 3 इसमें भैया 7 का गुणा कर दो तो 7 3 21 ऋण 21 आप बिल्कुल यहां फिलअप कर दीजिए ऋण 21 इस तरह से ये आपका सवाल हल हुआ। आइए ख देखते हैं। हाँ देखिए 8 का ये कैसे बना ऋण 8 तो चलिए ऋण 8 में हम 3 का गुणा करते हैं ऋण 8 में हम 3 का गुणा तो 3 8 24 अरे भाई ये तो ऋण प्राप्त हो गया हमें लेकिन प्लस लाना चलिए यहां ऋण लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे प्लस देखिए 24 हो गया। अब इसी तरह ऋण जो 5 दिया है
देखिए, एक तो इसका ये नियम है कि आप देखिए, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि देखिए माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 5/8, क्योंकि ये माइनस गायब हो जाता है। अब बराबर देख लीजिए, यहां बॉक्स बना लीजिए, 24 बना लीजिए, फिर यहां 25 बना लीजिए, 8/ बना लीजिए। अब हम देखते हैं 8 3 के, यानी 8 में 3 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा देखिए ये कैसे प्राप्त हुआ। तो 8 में हम 3 का गुणा किए तो 8 3 के 24, अब वह 5 है तो हम 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 5 3 15, इस तरह से देखिए 15। तो यहां हम भरेंगे 15। अब देखिए ये कैसे प्राप्त हुआ, अब ऊपर का देख लेंगे। इससे देखिए 5 5 25, यानी इससे अब हम देख लेते हैं। तो 5 तो 8 में, देखिए 5 में 5 का हमने गुणा किया तो 5 5 25। अब देखिए तो नीचे 8 है तो हम 8 में 8 का गुणा कर देंगे, सॉरी 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, इस तरह से यहां प्राप्त होगा 40। इस तरह से हमारा 8 5 40, देखिए ये 40 प्राप्त हो गया। इसमें हमारा ये देखिए 15 प्राप्त हुआ था, यहां 15 प्राप्त हुआ था, और ये ऐसे देखिए। चलिए आइए अगला सवाल, 7/9। अब देखिए इसका ये संबंध हम ज्ञात कर लेते हैं कि 7 में यदि हम -2 का भाई गुणा कर देते हैं तो यहां हमें प्राप्त होगा क्या, 7 × 2 = 14। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इससे ये कैसे प्राप्त हुआ। तो 7 में यदि हम 5 का गुणा कर दे तो 7 5 35, देखिए 35 में प्राप्त हो गया। अब यही काम हम यहां कर देंगे, देखिए -9 × -2 इसका गुणा कर देंगे, तो -9 में -2 का गुणा करेंगे तो ये होगा +18। अब देखिए -9 में ये हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 9 45, -45। इस तरह से देखिए ये +18 -45, तो चलिए यहां पहले में हमारा हो जाएगा +18, यहां हो जाएगा -45। चलिए अब देखिए इसको हम हल करते हैं कि इससे ये कैसे बना, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इससे इस तरह से देखिए 8 का, तो हम देख लेते हैं भाई कि इसका कैसे प्राप्त हुआ। तो 4 × -2, देखो इस 4 में इसका यानी -2 का गुणा कर देंगे तो देखो हो जाएगा 4 × 8, यानी -8, देखो ये प्राप्त हो जा रहा है। तो ठीक इस 15 से हमें ये संख्या, तो हम 15 में -2 का गुणा कर देते हैं तो 15 × 30, देखिए -30 हो जाएगा, तो यहां -30 हम भर देंगे भाई, ये आंसर हमारा हुआ, इसी को हमें देखना है। अब देखिए ये देखना है तरह से, इस तरह से देखिए हमारा ये प्राप्त हो। अब हम देखते हैं कि इस 15 से इस 60 का निर्माण कैसे होता है, तो जरा हम देख लेते हैं भाई। 15 में हम -4 का गुणा कर देते हैं तो 15 × 4 = 60, देखिए -60 हुआ। अब ऊपर क्या है, 4 है, बस सवाल हमारा लगभग हल होने की स्थिति में है, जिसका इसमें गुणा किया उसी का इसमें किया जाता है। तो 4 × 16, ये हुआ -16, हम यहां पर -16 भर देंगे, इस तरह से ये सवाल अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए परिमेय यानी हमें निकालना है समतुल्य, समतुल्य का मतलब आगे देखिए कैसे समतुल्य निकालते हैं। 2/5 है तो 2/5, इसमें हम 2/2 का गुणा करेंगे, आगे की संख्या के लिए 3/3 का गुणा करेंगे, इसके आगे की संख्या के लिए 4/4 का गुणा, इस तरह से हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो 2 × 4 =
दो पचे दस, दो तिहाई छ, दो तिहाई छह, पांच तिहाई पंद्रह, दो चौके आठ और पांच चौके बीस। देखिए इस तरह से ये संख्या हमारी ज्ञात हुई। तो आंसर के रूप में हम लिखेंगे चार बटे दस कामा छह बटे आपका ये पंद्रह और आठ बटे बीस। इस तरह से ये हमारी तीन समतुल्य और भिन्न परिवेश संख्या ज्ञात हुई। चलिए आगे इसी तरह देखिए सात बटे ऋण ग्यारह है, तो ये ऋण को हम धनात्मक बदल देते हैं, ऋण ऊपर चला जाएगा। चलिए इसमें भी दो बटे दो का, इसमें भी तीन बटे तीन का, इसमें भी चार बटे चार का हम गुणा कर देते हैं, दो सात चौदह, देखिए ऋण चौदह, ग्यारह दुना बाईस, सात तिके इक्कीस, ग्यारह तिया तैतीस, सात चौ अट्ठाईस, चार ग्यारह यानी ग्यारह चौ चौवालीस। इस तरह से देखिए इसके जो आंसर प्राप्त हुए ऋण चौदह बटे बाईस, ऋण इक्कीस बटे तैतीस, ऋण अट्ठाईस बटे चौवालीस। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ऋण आठ बटे ऋण एक पांच दिया हुआ है, ये दोनों को हम धनात्मक बना लेंगे, प्लस आठ बटे पांच। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं दो बटे दो का, इसमें गुणा अगली संख्या ज्ञात करेंगे तीन बटे तीन का, इसके आगे अगली संख्या ज्ञात करेंगे चार बटे चार, इसके भी आगे चार पूछता है तो पांच बटे पांच कर देते हैं। चलिए दो आठ है सोलह, दो पचे दस, आठ तरीके चौबीस, पांच तिहाई पंद्रह, आठ चौके बत्तीस, अब पांच चौके बीस। इस तरह से आपका ये प्रश्न हल हुआ। इस तरह से देखिए इसका आंसर 16 बटे 10, 24 बटे 15 और 32 बटे 20, ये आपका प्रश्न हल हुआ। और आज हम लोग अभ्यास एक को पूरी तरह से हल किए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, लाल सरकार, लाल सलाम आपके नाम दोस्तों।